हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में ऑटो रोटर स्क्रीन कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल एबीडी से बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी रहने के लिए वीडियो आपसे जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में सेटिंग, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में सेटिंग। सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में डिस्प्ले। डिस्प्ले पे क्लिक कर लेंगे। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने काफ़ी ऑप्शन ओपन होंगे। एडवांस पे क्लिक करके यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो रोटर का। तो यहाँ से अपने फोन में ऑटो रोटर स्क्रीन इनेबल करेंगे, ऑटो रोटर स्क्रीन को ऑन कर लेंगे। इस प्रकार आपने फोन में ऑटो रोटर स्क्रीन ऑन करेंगे, ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपने फोन में ऑटो रोटर स्क्रीन इनेबल करेंगे। जैसे कि आपको अपने फोन की ऑटो रोटर स्क्रीन इनेबल करना है तो फ्रेंड इस प्रकार आपने फोन में ऑटो रोटर स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं। आज भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।